있습니다. 제이씨가. 예! श्रीराम जय श्रीराम भारत माता की सब मिलके कहें भारत माता की भारत माता की जय श्रीराम। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये जो तिरंगा यात्रा गांव गांव में निकाली जा रही है, मैं कृपया आवाहन करूं पूरे भारत से कि इसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए, इस तिरंगा यात्रा को बिल्कुल पॉलिटिसाइज ना किया जाए। हर घर पे तिरंगा हो, हर हृदय में भी तिरंगा हो, वो है भी, कोई इसमें दो राय नहीं। और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने संप्रदाय से पार्टी से ऊपर उठ करके ये आवाहन किया पूरे भारत को कि तिरंगा यात्रा निकालो, क्योंकि हर पंथ हर ग्रंथ अपने राष्ट्र का सम्मान करता है। हर ग्रंथ हर पंथ ये कहता है कि जो राष्ट्र भक्त है वही ईश्वर भक्त है। तो बंधुओं, मैं चैनल के माध्यम से इस मीडिया वाई जितने बंधु यहां आए हैं उनके माध्यम से सबको कहूं कि कृपया इसको सांप्रदायिक मत समझिए। तिरंगा सबका बराबर है और इस तिरंगे में मैं शुरू से कहता आया हूं हर देशभक्त का प्राण छुपा हुआ है, इसलिए ये वंदनीय है। हर देशभक्त के दर्शन इसी तिरंगे में छुपे हुए हैं। ये पूरे भारत की आन बान शान हमारा तिरंगा। इसकी यात्रा का मतलब सभी एकता के रास्ते पर चल पड़े, सभी एक होकर के भारत को मजबूत करें, इसलिए कहूं तिरंगा यात्रा भी हो, प्रभात फेरी में भी एक एक तिरंगा ले लिया जाए, ताकि मेरे समाज का युवा मेरे समाज का बच्चा राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ हो। और मैं ये सबसे विनती भी करूंगा कि तिरंगा यात्रा के बाद अपने अपने हाथ में जो फ्लैग है उसको बड़े सम्मान के साथ रखना है, अपने घर पे रखें, अपने घर की छत पे रखें। और कि कोई भी जो हम हमारी वंदनीय वस्तु है, कोई भी हमारी वंदनीय चीज है, उसका हम निरादर ना करें। हमारे साथ जितने भी महाराज श्री को मानने वाले हैं, शास्त्री जी महाराज को, माँ चंबा मैया जी को मानने वाले, आप सब जानते हैं कि यहाँ हर महीने कोई ना कोई ईश्वर भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई बात होती ही रहती है। और हम बड़े गौरवान्वित होते हैं जब बात तिरंगे की हो, जब बात भारतवर्ष की हो। और मैं सबको आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है। हमारे यहाँ खाली अन्न नहीं ठूसते, भोजन को खाली खाया नहीं जाता, हम प्रसाद को पाते हैं और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति। हमारे यहाँ अन्न भी ब्रह्म है। तिरंगे का जैसे सम्मान करना है, प्रत्येक को कहूं, मैंने कई बार विवाह शादियों में देखा इतना पाते नहीं है जितना फेंक देते हैं, बर्बाद करते हैं।
तिरंगे का सम्मान करना है और तिरंगे के साथ साथ प्रत्येक उस वस्तु का जिसे हम प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम में वस्तुएं हैं, उन सब प्रणाम में चीजों का ऐसे सम्मान करें कि उसको जूठन में फेंके ना, उसको सम्मान करें। आपका बचा हुआ आप इतना ही लो जितना खा सकते हो, ये भी देशभक्ति का एक अंग है, क्योंकि जितने तुम जूठे फेंक रहे हो इससे कई और लोग जो जिनको मिल नहीं रहा वो पा सकते हैं। तो अन्न का भी आदर करें, अन्न के आदर के साथ साथ प्रत्येक उस वस्तु का आदर करें जिसको हमारे यहाँ पूजा गया है, और हमारे यहाँ हर उस वस्तु को पूजा गया है जो व्यक्ति को प्राण देती है, शक्ति देती है, जिससे संगठित होता है बंदा, उसको हम यहाँ पूजते हैं। जैसे पीपल को पूजा क्योंकि ऑक्सीजन देता है, हमारे यहाँ पत्थरों को तक को पूजा, क्यों? पत्थरों को पूजने के पीछे की बहुत प्यारी मिस्ट्री है। पत्थरों को पूजा, कंकर में से शंकर आया, इसके पीछे का अगर आप इतिहास देखें तो बंधुओं हम बड़े प्रभावित होते हैं अपने तीर्थों को देख करके, कि एक एक तीर्थ के कारण हजारों हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, रोजी मिली है। तीर्थों पे जाकर देखिए, मैं फिर कहूंगा कि तिरंगा यात्रा जो है ये हर एक के सम्मान का एक प्रतीक है, हर एक का हम सम्मान करें। अब दो शब्द हमारे जितने भी यहाँ क्या कहते हैं गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी कहेंगे, तो सरपंच साहब दो शब्द कह दें। ये जो आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कल हम आजाद हुए हमारा देश 77वें साल में पधार रहे हैं हम, उसके लिए हम अपने शहीदों को जिन्होंने लाखों शहीदों ने इस आजादी के लिए कुर्बानी दी उनको नमन करते हैं, और उन लोगों को भी जिन्होंने अपनी जिंदगी के अहम दिन जेलों में या कुछ कारागार में गुजार दिए उनको भी हम नमन करते हैं, और अपने देशवासियों को, अपने पंचायत के लोगों को सरपंच होने के नाते स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और अपने देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि प्लीज नशे की साइड छोड़ के अपने देशभक्ति की साइड चलें, और देश को का नाम रोशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, कहा था कि मैं देश का नाम झुकने नहीं दूंगा, तो आज हम देशवासियों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो, या जैसे उन्होंने बोला कि झुकने नहीं दूंगा, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम झुके। जय हिंद, जय भारत।